आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ चौक पर जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अपने संबोधन के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जो लोग देश और समाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनसे निपटने की सख्त जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहन भागवत ने कहा, कमजोरों को क्रूरों से बचाना है तो हाथों में हथियार रखना जरूरी है। भागवत बोले कि राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जो भी तरीका जरूरी हो उसे अपनाया जाना चाहिए।